पहलुओं को ऑन रिकॉर्ड बताकर। जनता का उफान है, पहली बार तो जनता डबल इंजन का मजा ले रहा है। नारा भी दिया गया है कि 225 से नीतीश क्या सही है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव हो रहा है। पीएम मोदी बिहार आने वाले हैं। इन सब के बीच नीतीश कुमार के करीबी नेता संजय झा ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इरादा 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर। लोगों को ऑन रिकॉर्ड बताकर, जनता का उफान है, पहली बार तो जनता डबल इंजन का मजा ले रहा है। नारा भी दिया गया है कि 225 एक बार फिर से नीतीश क्या सही है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को दरभंगा एम्स की आधारशिला रखने बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान मंच पर सभी दिग्गज नेताओं की मौजूदगी होगी, लेकिन 2025 को लेकर संजय झा ने साफ तौर पर कह दिया कि 2025 का चेहरा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। 25 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है कि ये एक तरह से जो है ताकत भी आगाज। देखिए, हम लोग जब भी चुनाव में गए हैं, अभी लोकसभा में गए, कितना लोगों ने संविधान से लेके क्या क्या कंफ्यूजन करने की कोशिश किया। हम लोग विकास और काम पर वोट मांगते हैं, हम लोगों का पॉजिटिव वोट रहता है, और अगले चुनाव में भी जाएंगे विधानसभा में तो हम लोग पॉजिटिव वोट पर अपने काम पर, इसमें तो कोई गलत नहीं है, अपना काम करके लोगों के बीच में वोट मांग रहे हैं। हमारे काम से हमको जज कीजिए। तो एनडीए अपने काम पर लोगों के बीच में वोट मांगने जाएगा, और हम लोगों ने जब एनडीए की मीटिंग हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, तो टारगेट भी तय हो गया ना कि 2010 में जो 206 सीट आया था उससे ज्यादा सीट ले करके एनडीए 2025 में आएगी। आप लोगों को ऑन रिकॉर्ड बताकर, जनता का उफान है, पहली बार तो जनता डबल इंजन का मजा ले रहा है। नारा भी दिया गया है कि 225 एक बार फिर से नीतीश क्या सही है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव हो रहा है। संजय झा जब ये बात कह रहे थे, संजय झा के बगल में बीजेपी के कई नेता खड़े थे। मतलब जेडीयू ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यह इशारा कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इससे पहले एनडीए की जब बैठक हुई थी तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 220 का टारगेट दिया था। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के नेता कह रहे हैं कि साल 2010 के प्रदर्शन को एक बार फिर से वो दोहराना चाहती है, तो क्या अभी तीसरे नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड नंबर वन की पार्टी बन पाएगी और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कितना आसानी से सुलझेगा। दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।